हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक फ्रेश न्यू ब्लॉग में यार। और ये मेरी भाई फेवरेट शॉप है, यहाँ पर बिरयानी खाते हैं हम लोग। तो मोटा भाई अपना बिरयानी खिला रहा है भाई अपने को, और इसके बाद हम जाएंगे नैना पीक। तो यार गाइज बिरयानी भी खा ली यार, पेट पूजा हो चुकी है। तो अब हम लोग निकल चुके हैं नैना पीक के लिए। तो यार गाइज अपने को ना ऊपर उस पीक में जाना है, ऊपर उस पहाड़ में। और भाई ये मैं निकला हूँ अभी काला ढूंगी वाली रोड पे, और काला ढूंगी वाली रोड पर थोड़ा आगे जाएंगे ना हम, सुसाइड पॉइंट भी आता है ऊपर। अगर आप लोग आ रहे हो सुसाइड पॉइंट भी जा सकते हो, और आगे से अपने राइट जाना है। तो यार दोस्तों अगर आप अपनी व्हीकल से आ रहे हो तो अपनी व्हीकल्स भी भाई आप नैना पीक जा सकते हो, या आप टैक्सी वगैरह भी हायर कर सकते हो यार, उसमें भी आपको बढ़िया बजट में मिल जाएगा। रोड थोड़ी सी नैरो होने वाली है, 4-5 किलोमीटर की डिस्टेंस में यार नैना पीक। और उसके बाद 3-4 किलोमीटर में ट्रैकिंग करके जाएंगे मस्त तरीके से, और दिखाएंगे भाई पूरा नैनीताल का व्यू वहाँ से। तो यार गाइस ठंडा होने लग गया था इसलिए मैंने भाई राइडिंग जैकेट पहन ली है। भाई इस रोड में बड़ा ठंडा है यार। तो यार गाइस ये है हिमालय दर्शन, और यहाँ से भाई हिमालय दर्शन देख सकते हो आप। ये देखो भाई यहाँ पर लगे भी हैं स्कोप वगैरह भाई। तो यार गाइस यहाँ पर अभी भी बर्फबारी हो रही है भाई, देख रहे हो। और यहाँ पर स्नोफॉल में मज़े लिए जा रहे हैं। और भाई गाड़ी ब्लैक स्नो में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अपने को। तो यार गाइस हम लोग रास्ता भूल गए भाई नैना पीक का, हमें तो पता ही नहीं, आपको लोगों को भी नहीं पता जो आ रखे हैं यहाँ पे। ये लोग तो खाली बर्फ़ देखने आ रखे हैं यहाँ पे। तो यार गाइस यहाँ से है नैना पीक का रास्ता। तो यार गाइस अपना प्लान हो गया चेंज, क्योंकि यहाँ से ना भाई 3 किलोमीटर का ट्रैक है, और ऊपर नीचे आने में अंकल बोल रहे कि भाई 3-4 घंटे लग जाएंगे, और हमको आज ही मुक्तेश्वर भी जाना है यार। तो अभी नीचे से एक और है जहाँ से पूरा नैनीताल का व्यू दिखता है, तो वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा नज़दीक में ही हो जाएगा, तो वहीं पर मिलते हैं आपको सीधे। तो यार दोस्तों आज तो भाई पोपट कट गया अपना, तो अभी पहले फ्यूल डलवाते हैं यार। फ्यूल रिजर्व में आ चुका है, और मेरी गाड़ी भाई कितना चल गई जब मैंने टैंक फुल करवाया था, तो यार 331 किलोमीटर चल गई। अभी 40-50 किलोमीटर और चल जाती, मतलब एक बार 15 लीटर टैंक फुल कराने पर भाई मतलब 400 किलोमीटर के राउंड चलेगी गाड़ी अपनी। तो यार गाइस हमने फ्यूल भी डला दिया, और यहाँ पर वेट कर रहे थे मोटे का। मोटा महंगा मुरादाबादी बिरयानी निकाल के आ चुका है। तो यार अभी निकलते सीधे मुक्तेश्वर के लिए। पता नहीं आज का भाई वीडियो क्या ही बन चुका है, थोड़ी सी लंबी होगी यार वीडियो। है ऐसा है क्या, गोकू की बात बता रहा क्या? मैं साथ बैठ रहा, आज इसमें बैठ जा, मुश्किल है अबे, कंफर्ट है। एक दे 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 यार भाई, दे दे ना यार, दे दे ब्रो प्लीज। है वाह, मतलब फिर हम जब बोलेंगे तब तब बोलेगा ये क्या कंटेन है साले। जब हमने फंगू को बोला, नहीं फंगू को हमने पापा बोला फंगू की बेइज्जती कर दी साले। अब ये ना ना ब्रो, हमने फंगू को बोला ही मेरा लड़का है, तब तूने बोला कि भयंकर फंगू की बेइज्जती कर दी पूरी वीडियो में है। तो यार गाइस नैनीताल को भी बाय बाय करते हैं यार। और अगर आप लोग नैनीताल आ रहे हो ना, तो भाई चाइना पीक जरूर जाएं यार एक बार, बहुत मज़ा आएगा आपको। और हम भी निकलते हैं मुक्तेश्वर के लिए। मुक्तेश्वर भी बहुत ही अच्छी टूरिस्ट प्लेस है यार, इसलिए मैं मुक्तेश्वर जा रहा हूँ। मैं पहली बार जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले कभी गया नहीं मुक्तेश्वर। और हम सोच रहे थे कि आज नैनीताल रुक जाएंगे, बट अपना दोस्त लोग को भी घर वगैरह जाना है यार, इनकी भी छुट्टियाँ पूरी हो रही है, तो इसलिए मुक्तेश्वर चल रहे हैं। मुक्तेश्वर अराउंड यहाँ से गाइज 50 किलोमीटर है। तो यार गाइज हिमालयन का एवरेज ना भाई KTM से थोड़ा सा कम है यार, KTM का थोड़ा एवरेज मेरा ज़्यादा था, इसका एवरेज थोड़ा कम चल रहा है। और वैसे भी 400 cc की बाइक है यार, तो कम तो होगा ही। तो यार गाइज इस रोड में आने के बाद ना भाई अपने को अपनी घर की याद आ जाती है यार, घर जाने का मन करता है। पर आज अपनी ड्रीम राइड भाई कंप्लीट करने वाला हूँ मुक्तेश्वर की, और भूख सी लगने लग गई यार, और गोकू सर को भी भूख लगने लग गई यार, इन दोनों को भूख लगने लग गई है। अब सोच रहे कि कुछ खाते हैं यार, और थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है यार, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अब जाके मज़ा आने वाला है। यहाँ पर लिखा है मुक्तेश्वर 39 किलोमीटर, तो आगे से अपने को लेफ्ट जाना है यार। और इस रोड में भाई मैं पहली बार जाने वाला हूँ, तो ये वाला रूट है भाई अपना, ये भवाली से थोड़ा सा आगे आके, तो भाई आगे से हमने लेफ्ट हो जाना है मुक्तेश्वर के लिए। भाई कॉफ़ी बड़ी अच्छी बन रखी है यार गोकू सर, आज क्या बात पूरी क्रीमी कॉफी। तो भाई इसको दिख रहा कैसे पीता है क्या उसको, उसका मुंह देखना ऐसे इतना मुंह निकालेगा, देखा ऐसे उसका मुंह निकालेगा। अरे यार गोकू सर की बेइज्जती नहीं रे, इसको खोल दे योगदान दे वहां कॉफी चलती तुम्हारी। तो यार गाइस गोकू सेडी भाई पहली बार बाइक चलाते हुए जा रहे थे। मैं आपको एक स्टोरी बता दूं गाइस, गोकुल भैया एक बार भाऊ वाला से कॉलेज बुलेट लेके जा रहे थे, अंकल ने इनसे लिफ्ट ली, और जैसे ही उतरे ना अंकल बोले बेटा आप संभाल लेते हो इसको। रामगढ़ 11 किलोमीटर। तो यार गाइस रामगढ़ 11 किलोमीटर है, और गोकू भैया के पीछे पीछे हम लोग चलने वाले हैं। और गोकू भैया अल्टीमेट बाइकर हो भाई, ये मार दिया 100 और सीधा छक्का, नाइस भाई नाइस। ओ इंडिकेटर बंद करो,
तो यार गाइस ये वाली रोड ना बड़ी प्यारी है यार, गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आ रहा है इसमें। दोनों तरफ से भाई चीड़ के पेड़ लगे हुए हैं मस्त, और भाई इस पेड़ों के रास्ते जाने का तो अलग ही फील है। और गोकू सेठी भैया बहेंगे बिल्कुल आगे आगे भाग रहे हैं अभी। तो यार गाइस ये रामगढ़ और ये फ्रूट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है यार, यहाँ पर फ्रूट्स बहुत ज्यादा होते हैं। रामगढ़ भी अच्छा लग रहा है, छोटा सा टाउन है, बढ़िया है। और यहाँ पर ज्यादातर लोग ना बाहर के लोग बसे हुए भाई ना, अब जाके ना भाई चीड़ के पेड़ नहीं है, अब चीड़ के पेड़ एक दो ही आ रहे हैं, और सब जगह ना बुरास के पेड़ देखने को मिल रहे हैं अपने को, हर जगह बुरास ही बुरास लगा हुआ है। तो यार गाइस ऊपर देख रहे हो क्या ही मस्त रिजॉर्ट है यार। और हम लोग ने भाई मुक्तेश्वर में एंटर कर दिया है, अब अपने जो भी भाई जंगल जंगल वाला एरिया था वो सब क्रॉस कर दिया है। तो भाई ये होटल बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत ही प्यारे प्यारे होटल दे रखे हैं हर जगह भाई, मस्त मस्त रिजॉर्ट है। तो भाई यहाँ पर ज़्यादातर ना भाई देख लो एप्पल की खेती और आड़ू वगैरह फ्रूट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब यहाँ फ्रूट्स वगैरह की बहुत ज़्यादा खेती होती है। और अगर आप लोग आ रहे हो ना तो भाई विंटर्स में आइए, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्नो पड़ती है यार, अभी तो बिल्कुल स्नो वगैरह पिघल गई, कहीं कहीं मिल रही है हमको, हम लोग को भी स्नो। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं भाई मुक्तेश्वर, और ये मुक्तेश्वर की छोटी सी मार्केट है यार, और ये भाई 50 किलोमीटर वाला स्कैम हो गया अपने साथ। हम लोग 4:30 बजे से चल रहे हैं भाई, और अभी टाइम भाई 7:30 बज चुका है, और मतलब छोटा सा टाउन है यार, और इतना ख़त्म। तो यार गाइस इतना ही है यहाँ पर, मतलब व्यू है वो सुबह देखेंगे व्यू वगैरह, पहले रूम लेते हैं फटाफट यार। तो यार गाइस हमने हिल टॉप पर भाई होटल ले लिया है, और अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी, अभी पैनियस निकालते हैं और सिग्नेचर कर देते हैं पहले, कार्ड से भी दूंगा चेकआउट में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यार गाइस अपने को ये होटल 1500 का पड़ रहा है। अच्छा इसमें एक लाइट तो यहाँ से जलेगी और एक लाइट आपकी यहाँ से चलेगी। तो यार गाइस ये है रूम, और कल हम आपको मुक्तेश्वर घुमाएंगे और यहाँ का रिव्यू भी देंगे भाई आप लोग को, कौन से होटल में रुकना चाहिए, कौन सा होटल बेस्ट है। और तब तक इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं यार, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो यार, अगर पसंद आई तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई है तब भी लाइक करें यार। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।